अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय वीलॉग चैनल। और आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ अपना पॉडकास्ट का जो छोटा सा मैंने सेटअप बनाया है, वो कैसे बनाया है, किस रूम में बनाया है, वो दिखाएंगे। तो काइंडली वीडियो एंड तक देखिएगा, छोटा वीलॉग होगा क्योंकि सेटअप सिर्फ दिखाऊंगा, तो प्लीज़ लाजमी देखिएगा एंड बताइएगा कि सेटअप में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, तो भाई ये कमरा है जिसके अंदर हम लोगों ने अपना छोटा सा सेटअप करा है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी अलमारियाँ लगी हुई हैं, ये सामान है, अलमारियाँ लगी हुई हैं, लाइट है, बच्चों की स्लाइड पड़ी हुई है, सारा सामान पड़ा हुआ है, सिर्फ ये एक टेबल है। तो भाई हमने ये सेटअप किया कहें, हमने टेबल के ऊपर लगाया है अपना माइक, सही है। इसके अलावा इसी टेबल के ऊपर मैंने, वैसे ये टेबल है प्लास्टिक का, सही है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेबल है प्लास्टिक का, लेकिन इसके ऊपर हमने ये ब्राउन कलर का कपड़ा लगाया ताकि इसका फील लकड़ी वाला है, सही है। इसके ऊपर हमने लगा दिया अपना माइक, ये एक माइक की जगह है, ये दूसरे माइक की जगह है। तो अब यहाँ पर हमने लगाया ये, जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो हम इस टेबल को खाली कर देते हैं और इस माइक को लंबा कर देते हैं। माइक टेबल लगाता हूँ मैं यहाँ पर कुर्सी लगाता हूँ, और ये हमने ली हुई है लाइट। भाई लाइट है हमारी, ओहो आशिर की जो है वो क्रिकेट जर्सी भी नज़र आ रही है, इसको हमने दाखिला करवाया। भाई ये लाइट है हमारे पास, सॉफ्ट बॉक्स की लाइट है। इसके अंदर हमारे पास जगह है तकरीबन कोई 10 या 12 लाइट लगाने की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइट्स लगाने की जगह है, हमने एक लगाई हुई है। इसके ऊपर ये सॉफ्ट कपड़ा आ जाता है, सॉफ्ट कपड़ा लगाने के बाद इसको हम रखते हैं यहाँ पर, लगाते हैं। अच्छा, अब असल चीज़ है कि भाई वो बैकड्रॉप कैसे आ रहा था, तो भाई ये आप देख रहे हैं ये वाला ग्रीन कलर का पर्दा है, जिस पर्दे को हमने एक यहाँ लगाया ताकि बाहर की रोशनी ना आए, और दूसरा ये रहा पर्दा नीचे रखा हुआ। इस पर्दे को हम जो है ना वो ये पूरी अलमारी के ऊपर मैं डाल देता हूँ ताकि बैकड्रॉप बन जाए, सही है। और ये बैकड्रॉप बनने के बाद फिर उसके बाद जो है वो हम इसको जो है वो लाइट्स वगैरह लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो भाई हम लोग कैसे काम करते हैं, काम हम लोग ऐसे करते हैं कि ये हम लोग पर्दा उठाते हैं और इस पर्दे को फुल लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, सही है। और ये है फुल डार्क ग्रीन कलर का पर्दा, तो इस पर्दे को अच्छा फिलहाल में लगा के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये मेरा बैकड्रॉप होता है, वो ये ऐसे थोड़ा सा टाइट करके, ये हमारा बैकड्रॉप होता है, बैकड्रॉप ये होता है हमारा। बैकड्रॉप के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है टेबल। टेबल के साथ हम लोगों ने कुछ अपनी लाइट्स खरीदी है, सही है। लाइट्स कौन सी खरीदी है भाई, सिंपल सा कनेक्शन किया है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरी लाइट्स के अंदर बैकड्रॉप के ऊपर जो है वो अच्छा मैं आपको बता रहा था कि लाइट्स आपने देखी हूँ बैकड्रॉप के ऊपर ना, ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट आ रही है। तो भाई ये वो लाइट्स हैं जो मैं लेकर आया हूँ, 200 रुपये की लाइट्स मिली हैं, RGB लाइट्स हैं, ये RGB लाइट्स हैं, इसके कलर बदलते रहते हैं। इसका कनेक्शन करा है सेंटर में, एक अलग कनेक्शन है। अब लाइट कैसे चलती है, लाइट को मैं ऑन करता हूँ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये दोनों लाइट जो है वो वाइट कलर की जल रही है। अब ये जो लाइट का बटन है ना, इसको मैं बंद करता हूँ, ऑन करता हूँ तो ये रेड हो जाती है, फिर येलो हो जाती है, रेड ग्रीन, दिस इज़ ब्लू, आपको सही से नज़र शायद आ रहा ही नहीं आ रहा, फिर ये पिंक, ये लाइट ब्लू, फिर ये येलो, फिर से वाइट और फिर से रेड। इस तरीके से ये लाइट, इस वाली लाइट को डायरेक्ट कनेक्ट करा हुआ है। तो अगर इसकी लाइट चेंज करनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये मैं पीछे बैकड्रॉप पे रखता हूँ साइड के ऊपर, ताकि जो है नज़र आए प्रॉपर तरीके से। तो भैया आप लोगों को ये थोड़ा सा लाइटिंग दिख रही होगी, ये ग्रीन वाली लाइटिंग इसी तरीके से पर्दे पर पड़ रही होती है, और जो कि आप लोगों को फ्रंट पर दिख रही होती है, सही है। अच्छा इसके अलावा जब हम माइक लेकर आए तो माइक के साथ उसका हमें मिला एक साउंड कार्ड, सही है। जाहिर सी बात है अगर पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग करनी है तो ये माइक हम लोगों को मिला है। इस माइक का जो नाम है ये है BM, नाम आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इस माइक का नाम है BM 800, सही है। और इस माइक के साथ आता है ये साउंड कार्ड होता है, इसके अंदर जो है वो जाती है माइक की तारें, और उसके बाद एक कनेक्शन होता है डायरेक्ट लैपटॉप से या मोबाइल से। और आप अगर मैं दो माइक है, असल में इस तरीके का एक दूसरा भी आता है, वो सिंगल वाला आता है, उसके अंदर पीछे ना एक माइक लगाने की जगह होती है और बाकी आउटपुट के होते हैं ऑप्शंस। लेकिन हम जो ये साउंड कार्ड लेकर आए, ये दो माइक वाला लेकर आए, तो
तो ये दो माइक का ऑप्शन होता है, इसका नाम है V8 Pro BM800। सही, इसकी जो है हम लोग जो है वो इसमें दो माइक का सेटअप लगाते हैं, एक आउटपुट देते हैं लैपटॉप के अंदर, तो दोनों माइक जो बैठे हुए बात कर रहे होते हैं वो दोनों माइक से जो है वो आवाज़ जा रही होती है। तो भाई आप देख सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने छोटे से कमरे में अगर अपने घर में एक छोटा सा सेटअप लगाना हो तो वो लगा सकता है। ऐसा नहीं है, लोग अक्सर सोचते हैं यार मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास एक्स वाई जेड बहुत सारी चीज़ें नहीं। अब आप देख रहे होंगे हमारे घर के अंदर ऑब्वियसली जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर में सामान बहुत ज़्यादा है। सही, अब सामान देख लें, ऊपर भी हैं, अलमारी के ऊपर भी हैं, अलमारियाँ भी हैं। अब अलमारी के अंदर देखो कितनी सारी अलमारियाँ, ये ट्रिपल डोर, ये अलमारी ट्रिपल डोर, ये अलमारी, फिर ये मेरी बेटी की अलमारी। तो सामान इतना ज़्यादा है कि अगर आप चाहो तो आप छोटी सी जगह को, अब अगर मैं आपको जो जगह दिखाई है मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये भाई ओवरऑल इस रूम के अंदर जगह ये है और हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो टेबल आता है, पीछे कुर्सी होती है, लाइटिंग होती है, पर्दा होता है। यहाँ जहाँ पर अभी ये टेबल रखा हुआ है यहाँ पर हमारा कैमरा आ जाता है। तो ओवरऑल हमारे कैमरे जो कमरे का स्पेस है वो मुश्किल से 5 बाय 5 फुट का आधा कमरा भी इस्तेमाल नहीं होता और हमारा ये काम हो जाता है। तो भाई अगर आप लोगों का घर छोटा है, जगह छोटी है और आप लोग छोटा सा पॉडकास्ट या स्टूडियो रूम का सेटअप करना चाहते हो, वीलॉगिंग बनाना चाहते हो, बैठ के जो सिंगल वन ऑन वन वीडियो होती है वो बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग वीडियोज़ नहीं बना सकते, ऑब्वियसली वीडियोज़ बना सकते हो। द ओनली थिंग विच यू वॉन्ट इज मोटिवेशन, और मोटिवेशन भी बहुत सारी जगहों से मिल सकती है। हमारे एक दोस्त हैं बड़े अजीज़ और उनसे मुझे मोटिवेशन मिली, उन्होंने जो है वो बताया कि यार जगह की ज़रूरत नहीं है और एक्स वाई जेड, और मतलब इस तरीके की बात बताई, थोड़ी सी टेक्निकल थी कि यार जगह ज़्यादा ना भी हो तो चलेगा, पीछे पर्दा वगैरह लगा, तो उनकी बात से इंस्पिरेशन मिली और मैंने भी सोचा, मैंने बोला हाँ यार मुझे स्टूडियो या रूम की जगह नहीं है, अगर घर के अंदर है तो। अब देखें जिस तरीके से मैं आज जो है वो पॉडकास्ट वाली वीडियो नहीं बना रहा, आज नॉर्मल वीलॉग अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग देखोगे ना व्लॉग के अंदर तो ये देखो ये सारी चीज़ें हैं और ये एक छोटा सा रूम है। सही, इसके अंदर अब जब मैं वीडियो या पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करूँगा तभी मैं इसका सेटअप करूँगा। एक जाहिर बात है आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लगेगा और उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड करूँगा। तो भाई आप छोटी छोटी जगह को भी यूटिलाइज करके बना सकते हो, अगर छोटा सा कोई स्टोर रूम है, छोटा सा कोई कमरा है, उसके साथ भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को मेरा छोटा सा स्टूडियो, छोटा सा सेटअप? मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, लेकिन फिलहाल कुछ सेटअप दिखाना था, चीज़ें बतानी थी, तो जाहिर सी बात है डेली पॉडकास्ट नहीं कर सकते, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के मैं पॉडकास्ट लाजमी करता रहूँ और पॉडकास्ट के अंदर या थोड़े और सेटअप के साथ आपको चीज़ें दिखाता रहूँ ताकि आप लोगों को देखने में भी मज़ा आए और सुनने में भी मज़ा आए। तो कीप लाइकिंग शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड दोस्तों यारों को भाई फॉरवर्ड करो और जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।